Hello all, welcome to Alisha Academy. This is your educator Shreya Jha, and today we are targeting NTU UGC NET JRF December 2019. हम पढ़ रहे हैं higher education के series में. हमने previous year questions का ये दूसरा भाग है. तो पहला भाग जो है हमने already discuss कर लिया है, जिसमें हमने कुछ questions जो है June 2019 में आए हुए higher education से related जो है discuss कर लिए हैं. आज के वीडियो लेक्चर में हम बाकी बचे हुए जून में आए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का. मैच द कॉलम में आपको बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्ट्रीम दिया गया है और नेम ऑफ द कोर्सेज दिया गया है, और आपको इनको मैच करना है. ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने की एक सिंपल ट्रिक होती है कि अगर आपको इसमें से कोई भी एक या दो भी आता है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे. जैसे प्रोफेशनल्स की यदि बात करें तो मुझे पता है प्रोफेशनल्स मेडिसिन डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स, लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स, सो आई कैन ईजिली मैच देम. लाइकवाइज इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जो हो गई, तकनीकी डिग्री हो गई, तो इसको ये मैच करना बहुत ही आसान हो जाता है. प्रोफेशनल्स जो हो गए मेडिकल, लॉ, एकेडमिक्स हो गए आर्ट साइंस, आर्ट कॉमर्स, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, स्किल बेस्ड, जिसमें जो है हमें कुछ, जैसे हम अपना हाथों से काम करते हैं, कुछ ब्रेन यूज करते हैं, तो ऐसे जो सारे स्किल बेस्ड जॉब हो गए वो कारपेंटरिंग, स्विंग. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू क्रैक, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस वुड हैव गॉट दैट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संकल्प का फुल फॉर्म. सो संकल्प को जो है हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था जब हम स्किल इंडिया वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. तो स्किल इंडिया वाला वीडियो आप जरूर जाकर देखें, आपको संकल्प की डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. उसे संकल्प जो है बेसिकली स्किल इंडिया के तहत एक रन योजना है. यहाँ पे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फुल फॉर्म पूछा गया था, और उसी वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इसका आंसर जो है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है संकल्प के बारे में, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्ञानवाणी लॉन्च बाय इग्नू टू कवर एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू. सो ज्ञानवाणी क्या है? ज्ञानवाणी जो है ये एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क है. इसके अलावा सेटेलाइट बेस्ड TV चैनल हमने स्वयं प्रभा को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. 32 चैनल्स का जो नेटवर्क है उसको भी देखा है. DTH बेस्ड है. ज्ञान के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, और MOOC पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है. तो इन वीडियो को आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जा करके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट अमॉन्ग द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज. ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हमें पता है जो पहली 3 इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज जो कि 1857 में इस्टेब्लिश हुई थी उनमें से एक है. दिल्ली नहीं है, उस टाइम जो है कैपिटल कलकत्ता हुआ करता था, सो दैट्स वाई दिल्ली उसमें नहीं है. ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे. प्रेसिडेंसीज, बाकी जो 3 थे वो प्रेसिडेंसीज थे उस टाइम के. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटीज द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ तिब्बत वॉज बिल्ड मेनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉलर. तो तिब्बतियन कल्चर कहाँ बिल्ड हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर जो है विक्रमशिला है. इसके अलावा आपने अगर विक्रमशिला पढ़ना है, नालंदा पढ़ना है, जंदाला पढ़ना है, मिथिला पढ़ना है, तो एंशियंट इंडिया के हायर एजुकेशन के सेम सीरीज में आपको मिल जाएंगे वीडियोज, जिसमें ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है. तो इस टाइम जो है विक्रमशिला से क्वेश्चन पूछा गया था. हो सकता है नेक्स्ट बार आपको नालंदा से क्वेश्चन पूछ जाए, या फिर जगदाला, मिथिला, कोई भी इंस्टीट्यूशन से पूछा जाएगा. तो सारे इंस्टीट्यूशंस को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है और काफ़ी कम शब्दों में कवर किया है, तो आप वहाँ से जाके इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट फंड्स फॉर रिसर्च एक्टिविटी ऑफ ऑल सोशल साइंस डिसिप्लिन. तो सोशल साइंस डिसिप्लिन ध्यान दीजिएगा, ICSSR न्यू दिल्ली जो है सोशल साइंस डिसिप्लिन के को फंड करता है. तो आप देखेंगे इसके बारे में जो है हमने एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी जो है ICSR के ऊपर भी पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. पहले अ स्पेशल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट. तो इसमें आपको याद करने जैसा कुछ नहीं है, काफ़ी टिपिकल सा क्वेश्चन है. इसका आंसर है रिपोर्ट ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन UGC 1965.
बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ये जो है फंड करने का काम करती है, और ये बहुत कुछ है सोशल साइंस रिलेटेड। अगर आपको कोई भी रिसर्च हो, आपको कुछ भी स्कॉलरशिप चाहिए, फेलोशिप चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, इसके अलावा फाइनेंशियल सेमिनार्स वगैरह, वर्कशॉप कंडक्ट करना, इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी कोई भी मैटर पे अगर सोशल साइंस रिसर्च रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए टाइम टू टाइम, तो ये जो है ICSSR न्यू दिल्ली करती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जून 2019 के। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर ऐसी सीरीज़ आपको हर एक साल के लिए चाहिए, तो हम जो है 2018 2017 की भी जो क्वेश्चंस हैं ऐड करते रहेंगे हायर एजुकेशन में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी हम ऐड कर सकते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जून 2019 के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। हायर एजुकेशन सीरीज़ का भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, ताकि इसके जो बाकी बचे हुए ऑप्शन हैं आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।